Atlanta con Melena Merlin o la primera record que स्वागत है और आज से मिल तो आज गिफ्ट खरीदा क्या है और मेरा तुम क्या बन के जा रही हो मैम के पास एग्नेस और इसका चोटी कितना क्यूट लग रहा है चुम्मू दे दो। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह से अलीना ने स्टार्टिंग किया तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। डोंट जंप लाइक अ मंकी अदिया। आई एम अ किड नॉट अ मंकी। ओके एंड किड्स लव्स जंपिंग। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, नहीं अब 8 बजने जा रहा है। तो और 8 बजे हम लोगों को उसके स्कूल के बाहर में अपोजिट साइड में प्लांटेशन के लिए बुलाया गया है। 6:30 बजे लोग प्लांटिंग करें और दे लर्न समथिंग अबाउट ग्रीन एंड प्लांट्स। तो हम लोग उसके लिए रेडी हो गए, लेकिन सबका थोड़ा सर्दी लग रहा है, जैसे को हल्का फीवर जो वायरल है अभी उस तरह से लग रहा है। तो बस अब हम लोग रेडी हैं और मैं अपने लिए और मिस्टर सर्वर के लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। हम लोग ग्रीन टी लेंगे, पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी देखिए मेरा पानी बॉइल्ड हो रहा है, देखिए अभी ये मेरा पानी बॉयल हो रहा है। ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें ग्रीन लीव्स डाल दूंगी। लोग निकल चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा नहीं, 3 मिनट के लगभग हम लोग पहुँच जाएंगे। और इतना ज़्यादा जल्दी मतलब हो रहा था कि मैं फिर चाय पी ही नहीं पाई, आधा पी करके रख दी और मिस्टर सर फटाफट पी करके रखे। पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों को आना था और यहाँ पे प्लांटेशन का सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है और बच्चे लोग एक दूसरे से मिलके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और अच्छे से से हेलो और ये अलीना और यहाँ सारे पेरेंट्स विद देयर किड्स और यहाँ पे और ये देखिए ये अत्यावश्यक प्लांट्स लेके खड़ी है। वाओ मम्मा मेरा उसको पकड़ना है। हाँ उसको भी करना है, अब उसको डालने दीजिए। डालो अलीना, रुको क्या तुम्हारा भी करेंगे। मम्मा हम अपने से कर लिए। डैब 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 अलीना, डैब इट डैब इट लिटिल डैब, वेरी गुड। बोलो मैं आ रहा हूँ अलीना का फ्रेंड, अब तुम देखना ठीक है। क्या सीखी आज तू? प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, से यस और नो। वेरी गुड। तो ये था हमारा टीचर्स डे का ब्लॉग। यहाँ पे अत्या वहाँ पे रेस्ट कर रही है क्योंकि सबकी तबीयत खराब है और जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए मैं घर आने के बाद कुछ भी वीडियो शूट नहीं की, आराम कर रही थी। तो अगर आपको ये वीडियो अल्लाह।